हेलो फ्रेंड्स, इन आवर लास्ट वीडियो वी लर्नड हाउ टू लोकेट रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन एंड वी कंप्लीटेड एक्सरसाइज 1.2 ऑफ दिस चैप्टर। नाउ वी विल कंटिन्यू द चैप्टर अहेड। तो फ्रेंड्स, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डेसिमल एक्सपेंशन। कोई भी फ्रैक्शन होता है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। फर्स्ट है द रिमाइंडर बिकम्स जीरो। जो रिमाइंडर है वो जीरो हो जाता है। फॉर एग्जांपल, इफ यू टुक 1/2, तो 1/2 अगर हम सॉल्व करेंगे इसका आंसर कितना आएगा, 0.5। इसका डेसिमल के बाद जो नंबर है वो कंटिन्यू आगे नहीं बढ़ रहा है, ये एक ही नंबर आ रहा है, मतलब ये आगे और नहीं बढ़ता। इसको हम क्या बोलेंगे, रिमाइंडर जीरो हो गया। कैसे, 2 से डिवाइड करना है 1 को। यहाँ पे जीरो है तो पहले यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, 2 5 10, रिमाइंडर आ गया जीरो। तो जिसमें रिमाइंडर जीरो आता है वो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, टर्मिनेटिंग बोलते हैं। मतलब डेसिमल जो पॉइंट है वो लिमिटेड रहता है, आगे एक्सपेंड नहीं होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट एग्जांपल इज इफ यू टुक 4/5, मीन्स के हमको 5 से 4 को डिवाइड करना है। तुम डिवाइड करते 5 से 4 को, ये नंबर छोटा है, यहाँ पे पहले हम जीरो लेंगे तो यहाँ पॉइंट आएगा, 5 8 40, रिमाइंडर कितना आ गया, जीरो। और जब रिमाइंडर जीरो हो जाता है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, टर्मिनेटिंग होता है, मतलब वो आगे एक्सपेंड नहीं होगा, लिमिटेड है। नेक्स्ट एग्जांपल इज द रिमाइंडर नेवर बिकम्स जीरो, कि जो रिमाइंडर हो कभी भी जीरो नहीं होता। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। सपोज हमने एग्जाम्पल लिया 10/3, मतलब क्या, 3 से हमको डिवाइड करना है 10 को, तो हम करते हैं 3 से डिवाइड 10 को। पहले क्या आएगा, 3 3 9, माइनस करेंगे 1, अब यहाँ पे कुछ नहीं, हम जीरो लेंगे, यहाँ पॉइंट आएगा, 3 3 9, माइनस करेंगे 1 आएगा, 3 3 9, ठीक है। तो आगे ये एक्सपेंड ऐसे होता रहेगा, तो इसका आंसर कितना आएगा, सॉरी 3.333, ये आगे ऐसे रिपीट होता रहेगा। इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है इसका, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसमें नंबर क्या आ रहा है हमारा, 3.333, ये 3 3 बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये नंबर क्या है, बार बार रिपीट होता है, इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या, जो डेसिमल नंबर है वो आगे एक्सपेंड होते रहते, बढ़ते रहते, कभी भी उसका एंड नहीं होता, मतलब जो हमारा रिमाइंडर है कभी भी जीरो नहीं आता, वो आगे एक्सपेंड होते रहता है। तो इसलिए जो हमारा कोशेंट है वो भी एक्सपेंड होते रहेगा, उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन जब एक ही नंबर बार बार रिपीट होता रहे तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसको हम और कैसे शो कर सकते हैं, 3.3, ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, कौन सा नंबर, 3, तो 3 के ऊपर हम लगा देंगे एक बार, इसको क्या बोलते हैं, 3.3 बार। बार का मतलब क्या है, कि नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। सपोज मैं लिखता हूं 3.45 बार, तो 4 बार किसके ऊपर है, 4 और 5 के ऊपर, मतलब ये जो 4 और 5 बार बार रिपीट होंगे इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3.45 4 5 4 5 एंड सो ऑन। मतलब अगर किसी नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है तो नंबर आगे रिपीट हो रहा है, उसका मीनिंग ये है। तब हम एक एग्जाम्पल लेंगे, शो दैट 3.142678 इज अ रैशनल नंबर, या फिर इसको दूसरे वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं, एक्सप्रेस 3.14278 p/q फॉर्म। इस नंबर को हमें p/q फॉर्म में शो करना है, मतलब हमको रैशनल नंबर में शो करना है। तो नंबर क्या है, 3.142678। यहाँ पे हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये आगे रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये क्या बोलेंगे, इसको हम टर्मिनेटिंग बोलेंगे, सॉरी इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, क्योंकि आगे रिपीट नहीं होता है। हमको पता है किसी पॉइंट वाले नंबर को अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो पॉइंट के बाद जितने नंबर आते हैं उतने जीरो से हम नीचे डिवाइड करते हैं। यहाँ पे कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, पॉइंट के बाद यहाँ पे 6 नंबर आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 3 1 4 2 6 7 8, और पॉइंट के बाद 6 नंबर आ रहे हैं, इसलिए 1 क्लिक के 1 2 3 4 5 6, ये हमारा p/q फॉर्म में हमने इसको शो कर दिया। कब, जब नंबर टर्मिनेटिंग हो और पॉइंट में दिया हो, तो क्या करेंगे हम, पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उतने जीरो यहाँ पे हमको शो करना है, ऐसे हम p/q फॉर्म में इसको शो कर देंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शो 0.333 --0.3 बार। बार का मतलब क्या है, नंबर रिपीट हो रहा है, मतलब इसको हम इस तरीके से शो कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन को हमें p/q फॉर्म में शो करना है।
किसमें, पी बाय क्यू फॉर्म, मतलब हमको रैशनल नंबर इसको बताना है। तो पहले हमको जो भी क्वेश्चन दिया, पहले नंबर क्या है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये आगे रिपीट होता जा रहा है, रुकता नहीं है, रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। आगे एक्सपेंशन जो इसका वो बढ़ते जा रहा है। तो पहले जो भी क्वेश्चन दिया उसको हम एक्स मान लेंगे, सपोज एक्स इज इक्वल टू 0.333 एंड एस, इसको हमने एक्स मान लिया। अब हमको इसमें किसी से मल्टीप्लाई करना है, तो देखो यहाँ पे नंबर कौन सा बार बार रिपीट हो रहा है, थ्री, कितने नंबर रिपीट हो रहा है, खाली वन नंबर। जब कभी भी वन नंबर रिपीट हो तो इसमें हमको टेन से मल्टीप्लाई करना है दोनों। तो जब वन नंबर के ऊपर बार लगाओ मतलब एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसमें हमको टेन से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय टेन ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हमको टेन से मल्टीप्लाई करना है। टेन से क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर रिपीट हो रहा है, अगर दो नंबर रिपीट होता तो हंड्रेड से मल्टीप्लाई करते, यहाँ पे एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो हम टेन से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, टेन एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम टेन से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमको पता है हम किसी डेसिमल नंबर में टेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डेसिमल होता है वो एक नंबर आगे बढ़ जाता है टेन से मल्टीप्लाई करने पे, कितना नंबर बढ़ेगा आगे, वन नंबर, क्योंकि हमने टेन से मल्टीप्लाई किया। तो इसमें भी टेन से मल्टीप्लाई हो क्या जाएगा, ये थ्री पॉइंट, ये डेसिमल यहाँ पे आ गया, एक नंबर आगे आ गया, तो यहाँ पे 3.333 ये आगे ऐसे रिपीट होगा, बाकी सब सेम है आगे वाला, तो आगे वाला सेम ही रखेंगे हम, इसको इक्वेशन वन और ये इक्वेशन टू। तो फ्रेंड्स हमको याद क्या रखना है कि हमने 10 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पे एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई किया। आप क्या करना है, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू, इक्वेशन वन को टू में से माइनस करना है, तो इक्वेशन टू का एलएचएस क्या है, 10x, इसमें से हम इक्वेशन वन के एलएचएस को माइनस कर देंगे, माइनस एक्स इज इक्वल टू, इक्वेशन टू का क्या है 3.333 माइनस इसका आरएचएस 0.333, तो आंसर कितना आएगा, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 9x, और यहां पे कितना आएगा 3 आएगा, इसको मतलब माइनस करेंगे तो 3 आएगा, कैसे 3 आएगा, तो यहां पे देखो 3.333 में से हमको 0.333 माइनस करना था, तो हम पॉइंट के नीचे पॉइंट लेते हैं। अब यहाँ पे सारे नंबर सेम, मतलब 3 माइनस 3, 3 माइनस 3, 3 माइनस 3, आगे भी सब सेम आएगा, तो यहाँ पे 0 आएगा इस साइड, और पॉइंट के बाद 3 माइनस 0 कितना आएगा 3, तो हमारा आंसर कितना आ गया 3। अब x इज इक्वल टू, ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो 3/9 हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे, 3 1 3, 3 3 9 इज इक्वल टू 1/3, और ये हमारा पी बाई क्यू फॉर्म में आ गया। फ्रेंड नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शो 0.2353535 इन पी बाई क्यू फॉर्म। यहाँ पे देखो जो 35 के ऊपर खाली बार लगा हुआ है, 2 के ऊपर नहीं लगा, क्यों, क्योंकि नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है, 353535, जो 2 है वो एक ही बार है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको इस क्वेश्चन को x मान लेना है, x इज इक्वल टू 0.2353535 एंड सो ऑन। अब यहां मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मैंने क्या बताया जितने नंबर रिपीट हो रहे, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे, दो नंबर, टू नंबर यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहे हैं, जब टू नंबर रिपीट हो तो हमको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस इक्वेशन में मल्टीप्लाइंग बाय 100, तो एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x इज इक्वल टू, अब 100 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 100 है मतलब 00 है, जो डेसिमल नंबर है वो दो नंबर के बाद हो जाएगा, मतलब 23 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 23 पॉइंट, अब 3 के बाद क्या आ रहा है, 5353 आ रहा है, 53535 एंड सो ऑन, दिस इज इक्वेशन वन एंड दिस इज इक्वेशन टू। अब क्या करना है, हमको इक्वेशन टू में से इक्वेशन वन को सब्सट्रैक्ट करना है, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू, टू में से वन को माइनस करेंगे, तो टू क्या है, यहाँ पे 100x है, तो माइनस क्या होगा, इसका x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 23.53535 एंड सो ऑन, माइनस क्या होगा, ये 0.235 एंड सो ऑन, तो यहाँ पे कितना आएगा 99x इज इक्वल टू, अब इसको माइनस करना है, इसमें से इस नंबर को माइनस करना है, तो कैसे करेंगे, चलो यहाँ पे देख लेते हैं, पहले क्या था 23.53535
फाइव थ्री फाइव थ्री फाइव एंड सो ऑन। और सेकेंड वाला एग्जाम्पल क्या है हमारा, 0.23535, इसको माइनस करना है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, तो 0.23535 एंड सो ऑन, इसको माइनस करना है। अब यहाँ पे देखेंगे, देखो 5 के नीचे 5 आ रहा है, 3 के नीचे 3, 5 के नीचे 5, 3 के नीचे 3, मतलब यहां तक सारे नंबर सेम आ रहे हैं, तो यहां से माइनस करेंगे तो 0000, फिर 5 माइनस 2 3 आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 3 माइनस 0 3, और यहाँ पे 2 आएगा, तो आंसर हमारा कितना आ गया 23.3, 23.3, इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा 23.3। सो एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा 23.3, 99 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड में चला आएगा। अब आगे क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू 233, इस पॉइंट को हमको हटाना पड़ेगा, तो पॉइंट के बाद कितने नंबर है, वन नंबर, तो यहाँ पे नीचे किससे मल्टीप्लाई आएगा 99 इंटू 10 से, पॉइंट के बाद वन नंबर हो तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू 233 अपॉन 990, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल सॉल्व किए, अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 1.3 जो है वो स्टार्ट कर देंगे, ओके।